कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? अभी 50 साल होगा अभी तुम्हें, 1.5 घंटा लगेगा लगातार चलो ऊपर। घंटा आप लोग कहाँ से आए? यहाँ पे सुना है मैंने, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी देखते हैं। तो गाइज, आधा किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचते हैं तारा देवी मंदिर, और माता तारा देवी मंदिर में जाने के बाद करते हैं माता के दर्शन। और गाइज एक चीज़ और, जो मंदिर के बाहर जो व्यू है ना, वो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है। और उससे बड़ी बात यह कि यहाँ पर ना बाहर मंदिर के जो व्यू है ना, वहाँ पर कुछ देर टाइम बिताने के बाद, कुछ देर बैठने के बाद इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है कि हम जब भी ज्वाला जी आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं और कुछ टाइम यहाँ बिताते ज़रूर हैं। देखते हैं अभी बाहर के नज़ारे, आपको भी ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ यहाँ कितना अच्छा लगता होगा। और यहाँ के नज़ारे लेने के बाद अब आगे हमारा ट्रैक शुरू होगा टेढ़ा मंदिर के लिए और भैरव मंदिर के लिए। पहले पड़ेगा भैरव मंदिर, उसके बाद पड़ता है टेढ़ा मंदिर। तो चलते हैं, पहले बाहर के नज़ारे लेते हैं और उसके बाद करते हैं अपना ट्रैक शुरू टेढ़ा मंदिर के लिए। तो आइए। Thank you.
देर चलने के बाद हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करा और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हमने चलो यार चलते हैं, क्योंकि टाइम था नहीं, तो इसलिए हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर आगे चल पड़े अपनी मंजिल पर। तो चलिए चलते हैं आगे। कितने बजे निकले थे तुम? 10 बजे। रहने वाले कहाँ के हो? रामपुर मुरादाबाद। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? रामपुर के अभी कहाँ से आ रहे हो आप? टेढ़ा मंदिर से। माजा जी कैसा लगा? पैदल गए थे क्या? पैदल ही आए हो। अच्छा अच्छा, तो वहाँ अच्छा लगा? कितने टाइम से आ रहे हो आप? अब तो हम 11 बजे पहुँचे। कितने साल से आ रहे हो? नहीं, यहाँ पर आप कितने टाइम से यात्रा करने आ रहे हो आप? जैसे आए काफी टाइम से, 20 साल 10 साल। कितनी ऊपर है तिरछा मंदिर? आज घूम चलो मैं आप। ये कितनी ऊपर है यहाँ से तिरछा? यहाँ से कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? अभी 50 साल अभी तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा लगातार चलोगे। इतनी ऊपर है? 1.5 घंटा। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम मुरादाबाद जिला रामपुर तहसील। यहाँ पे सुना है मैंने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी देश से भी हैं। चलो थैंक यू। ओके थैंक यू। यहाँ पर कुछ हमारे संघ के लोग हैं, भाई हैं हमारे छोटे बड़े जो भी है, वो मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ क्योंकि आम का पेड़ दिखा था और इधर काफ़ी सारे आम हैं आप देख रहे होंगे, तो वो तोड़ने में लगे पड़े, कोशिश कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारे तोड़े भी। ये देखिए कितने सारे हैं और ये देखो, कोशिश पूरी सफलतापूर्वक हो रही है और उसका परिणाम भी अच्छा निकल रहा है।
तो गाइस फाइनली हम भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन, आपको भी कराते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, बहुत सुकून, बहुत शांति, दूर दूर तक कोई भी नहीं, खाली बाबा भैरव और हम। तो चलिए करते हैं बाबा के दर्शन। एक चीज मैंने अभी देखी अचानक से, देखने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल अभी देखा मैंने, बिल्कुल ही अभी देखो, यह है हमारे हनुमान जी की इसमें तस्वीर बनी हुई है, और यहाँ पर देखो और भी कई सारी कई भगवानों की इसमें तस्वीर बनी है। ये मैंने अचानक से देखा तो मैं भी चौंक गया एकदम से, कि यार ये क्या चीज़ है। गाइस ये जो है ना 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का सफ़र है, और 3 किलोमीटर मेरे हिसाब से करीब करीब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आधे से एक घंटे में पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चढ़ाई इतनी है ना, आगे का रास्ता अभी हम और आगे गए नहीं है ना, वरना वो रास्ता इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसा रास्ता नहीं जैसा यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर होते ना वैसे हैं, और रास्ता कोई मतलब बना हुआ नहीं है, बस उधर क्या है जैसे जुगाड़ होता ना एक पहाड़ों को मतलब रास्ता बना के निकलने वाली बात है पहाड़ों में से, ऐसा कुछ है। लेकिन 3 किलोमीटर का सफ़र ना, आना और जाना करीब करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, वो इसलिए कि बीच में जो नज़ारे पड़ते ना वो ऐसे इतने प्यारे नज़ारे हैं, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, और आप देख भी रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं कि मतलब इंसान देखता है, रुकता है और उनको फील करता है, महसूस करता है कि यार क्या नज़ारे हैं। तो बस इसी चीज़ में टाइम जाता है, और बाकी चढ़ाई तो बहुत खतरनाक वाली है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं, और लेकिन इंसान थकता जरूर है, लेकिन जो बात है उसका मज़ा भी अलग है। तो गाइस दर्शन तो हमने भैरव बाबा कर ही लिए, थोड़ा टाइम की वजह से और थोड़ा यहाँ थोड़ा मौसम भी थोड़ा ऐसे हो रहा है ख़राब सा, तो हमने भैरव बाबा मंदिर आने के बाद हमने सोचा चलो यहीं से वापसी हो जाते हैं और क्योंकि हमें आगे भी और कहीं जाना है, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वापसी जाने के लिए। यहाँ से करीब करीब कोई 2 किलोमीटर करीब टेढ़ा मंदिर है, उसका टेढ़ा मंदिर इसलिए मतलब बोलते हैं कि यहाँ पर 1905 में भूकंप आया था हिमाचल में, बहुत ही ज़्यादा बहुत तगड़ा भूकंप आया था, जो कि काफ़ी नुकसान हुआ था हिमाचल में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वो मंदिर जब से ही मतलब एक तरफ से झुक गया था, तो वो ऐसे मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो इसी वजह से उस मंदिर का नाम
टेढ़ा मंदिर पड़ा, और वहां पर एक गुफा भी है, जहां उस गुफा में बताते हैं कि कहानी है उस गुफा की, कि वहां पर जब सीता जी ने वनवास काटा था तो वो यहां पर भी आई थी, सीता जी यहां रही थी कुछ टाइम, उन्होंने यहां बताया था उस गुफा में। तो हम पहले तो खैर काफ़ी बार आ चुके हैं यहां पर, और कई बार हमने यहां पर दर्शन भी करे हैं उस गुफा में, पर इस बार क्या था, थोड़ा मौसम भी बेकार हो रहा था और थोड़ा हमारा टाइम हो रहा था जाने का, तो इसलिए हमें, क्योंकि अभी यहाँ से कांगड़ा जी जाना है, कांगड़ा ब्रजेश्वरी मंदिर, तो वहाँ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है और आगे चलते हैं कांगड़ा जी में, ब्रजेश्वरी माता के भी दर्शन कराएंगे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कांगड़ा किला, वो भी आपको दिखाएंगे, और उससे आगे भी देखते हैं और क्या क्या है, मैं ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई भी जा सकती हैं, तो इसलिए चलते हैं आगे, बने रहिए है।